कई लोग धरण की समस्या से परेशान रहते हैं, पेट की नसें खिंच जाती हैं जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त यहाँ भारीपन महसूस होता है, गैस बनती है, कब्ज हो जाती, कभी दस्त लग जाते हैं। ये समस्या बड़ी ही दर्द देने वाली है और कई बार समाधान भी नहीं मिलता। आज के कार्यक्रम में मैं आपको आसान तरीके से धरण निकालना सिखाऊंगा और धरण निकालने के बाद क्या खाना चाहिए ये बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि अगर धरण निकाल ली, अब आपको भविष्य में धरण ना पड़े, उसके लिए क्या आहार लें, डाइट लें ताकि धरण पड़े ही ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं धरण निकाली कैसे जाती है। धरण निकालने के मैंने कई ढंग, कई विधियां सिखाई हैं, आज मैं सरल से सरल विधि सिखाना चाहता हूँ। पेट के बल खाली पेट लेट जाइए, जब पेट के अंदर कुछ खाया ना हो, हल्का हो पेट ताकि नस नाड़ियों को इधर उधर मूव करने में आसानी हो। तो आप लेट जाएं पेट के बल, नीचे टांगों के नीचे किसी से तकिया रखवा लें, रख लें, और ऊपर किसी से पैरों से दबवाएं, उसको बोलें कि हल्का कोई बच्चा कोई चढ़ जाए जिसका वजन आप सह सकें, तो पिंडलियों को दबवाएं। पिंडलियों के अंदर वज्र नाड़ी होती है, वो पेट से जुड़ी हुई होती है, उसको दबवाने से पेट को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, और दो चार या पाँच मिनट लगते हैं, धरण अपनी जगह आ जाती है। जैसे ही धरण अपनी जगह आए तो उसके बाद कुछ खा लेना चाहिए, अगर ना खाया जाए तो दोबारा धरण फिर खिंच के वहीं आ जाती है खाली पेट में, क्योंकि पेट के पास ताकत नहीं होती। तो क्या खाया जाता है, चार पांच चीज़ें बता देता हूँ, कुछ भी खा सकते हैं आप। कभी कभी नारियल की गिरी ले सकते हैं, नारियल की गिरी दो तरह की आती है, एक पूरी तैयार, एक पतली पतली मलाई जैसी, नारियल पानी भी होता साथ में, ये भी ले सकते हैं। इसमें ये भी जल्दी पचता है पेट में जाके और जल्दी से पेट को ताकत देता है, तो वही चीज़ लेनी होती है जो जल्दी से पच जाए और ताकत दे दे पेट को ताकि दोबारा धरण न खिंचके। और इसके अलावा गुड़ का हलवा बना के, गाय का घी उसमें या देसी घी डाल के कोई भी, और कभी कभी खीर, केला, मक्खन, ये चीज़ें कोई भी इनमें से दे करके आप अपने आप को धरण के बाद अगर लेते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होती है, बहुत लोग खाली पेट वर्जिश करते हैं या खाली पेट वज़न उठाते हैं, मना नहीं है, ये करना ही खाली पेट चाहिए, आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान। लेकिन जिन लोगों को धरण पड़ती है, खासकर उनकी जिनकी आंतें कमज़ोर हैं, कुछ समय के लिए वो खाली पेट ये चीज़ें ना करें। वो या तो रात को बादाम, अंजीर, अखरोट, थोड़े मुनक्के ये भिगो दें, तो सुबह उठ करके उनको खाएं, फिर थोड़ी वर्जिश व्यायाम करें। अगर इतना नहीं कर सकते तो भी एक मुट्ठी काला चना, मूँगफली भुनी हुई या कुछ इस तरह से ले लें, ताकि वो सुबह उठते उनको ऐसी थोड़ी सी चीज़ मिल जाए जिससे उनको काफ़ी ताकत मिलती रहे, उनकी पेट की धरण हिले ना, और फिर अपना आराम से आसन अभ्यास करते रहें, और आसन अभ्यास करके तब तक वो चीज़ भी पच जाएगी, ताकत भी उसकी मिल जाएगी, फिर बैठ के प्राणायाम कर लें। तो ये विधि अगर आप अपनाते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा। अब बताता हूँ मैं कि धरण के लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए जो दोबारा धरण पड़े ही ना। पाँच चीज़ें बताऊँगा मैं, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, पाँच की पाँच प्रयोग कर लें, बेशक कोई बीच में कर लें, कोई ऑन एंड ऑफ कर लें। सात चीज़ें बाद में फिर मैं बताऊंगा जो आप इसके साथ और ऐड कर सकते हैं, अगर उन पाँच में से बाय चांस कोई चीज़ आपको नहीं पचती, कोई भैवी करती है, कोई आप इस समय इस स्थिति में हैं कि आपको कोई साथ में समस्या है जिस वजह से आपको वो नहीं ले सकते, तो और भी बहुत कुछ मैं बताऊँगा, तो आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर पर है, आप उसमें लेंगे आम, आम चूसने वाला अगर लेंगे तो बहुत अच्छा, जल्दी पचता है वो और रेशेदार होता है। काट के खाने वाला आम ज़्यादा देर से बचता है, तो आपको जल्दी वाली पचाने वाली चीज़ लेनी जो जल्दी आंतों को ताकत दे। तो चूसने वाला आम लीजिए, पानी में डुबो लीजिएगा पहले, उसकी गर्मी निकल जाएगी, और एक दो घंटा डुबो के फिर चूसें उसको। चूसने के बाद दूध पी लें ठंडा, दोपहर का समय है तो, रात का समय है तो गुनगुना दूध पी लें, और आप साथ साथ अगर दूध नहीं पी सकते तो इतना दूध इतना पानी मिला के कच्ची लस्सी बना लें वो पी लें, तो भी दूध पीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम गर्मी नहीं करता। आम कैलोरीज में रिच है, न्यूट्रिशन में रिच है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ इसमें है, और ये सब चीज़ें जिनमें न्यूट्रिशन पूरा अच्छा हाई होता है वो चीज़ें हम देते हैं तो पेट को बल मिलता है। तो दूसरे नंबर पर जो आपको चीज़ लेनी है धरण के लिए वो है गाय का घी। गाय का घी बहुत अच्छा है, दाल में, सब्जी में, सूप में, गुनगुनी गुनगुनी दाल में, सब्जी में पच जाता है जल्दी। रोटी पे भी लगा के लिया जा सकता है, लेकिन अनाज पे लगा के लेने से थोड़ा अनाज या रोटी देर से पचेगी, तो जो लोग ऐसी ताकत रखते हैं पेट में खाना बचाने की तो वो रोटी पे लगाएं, नहीं तो दाल सब्जी में लगाएंगे तो वो जल्दी पच जाएगा, वो देर नहीं करता।
और दूध में भी डाल के लिया जा सकता है घी, लेकिन दूध में सब लोग नहीं पचा पाते, कईयों को म्यूकस या फिर कांव आने लगती है दूध में लेने से, कफ करने लगता है, तो वो लोग ना लें, वो दाल सब्जी में लें, बाकी दूध में भी ले सकते हैं। इससे थोड़ी तरावट, थोड़ी नमी मिलेगी तो आपके पेट नरम रहेगा, आपको धरण की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपको दही लेनी चाहिए, थोड़ा दही, थोड़ा हल्का सा पानी मिला के फेंट लें ताकि वो पचने में हल्का हो जाए, भारी ना करे, उसी में थोड़ा चूना मिला लें, पान की दुकान से मिल जाएगा भीगा हुआ, नहीं तो खुद भिगो लें, इतना सा चूना ले आए कहीं पुताई करने वाली दुकान से, उसको 5 दिन मिट्टी या कांच के बर्तन में पानी में डाल के, इतना सारा पानी, इतना चूना नीचे, उसको सुबह शाम लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहें और फिर ढक के रख दें, 5वें दिन पानी निकाल लें और वो चूना शुद्ध हो गया, बस वो गेहूं के दाने जितना चूना सुबह या दोपहर लेना होता है, दही में नहीं ले सकते, दाल में सब्जी में भी ले सकते हैं उसको, दूध में भी डाल के ले सकते हैं, पानी में चूना नहीं लेना होता क्योंकि ये चूना कैल्शियम है, ये फैट्स सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो आपको जल्दी पचेगा, पानी में लेंगे तो पथरी कर सकता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में खीर, बर्फ़ी, दही, छाछ, पनीर, जो आपको पच जाए, जितना आप पचा सको, मलाई, मक्खन, ये सारी की सारी चीज़ों में तरावट होती हैं, ये ग्रीस का काम करती हैं और ये आंतों को मजबूत बनाती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स एक तरह से ऐसा फैट्स है जिससे कि जर्क सहने की ताकत आती है पेट को, क्योंकि जर्क नहीं सह पाता, आप जरा सा रिक्शा पे, ऑटो पे, साइकिल पे, स्कूटर पे उछले तो धरन फिर पड़ गई, उसका मतलब कि आपको ग्रीस चाहिए वो जर्क सहने की, तो वो इसी से आएगी, मिल्क प्रोडक्ट से। और उसके बाद 5वें नंबर पर आप नवरत्न रस नाम की एक आयुर्वेदिक गोली आती है, हालांकि थोड़ी महंगी है, सब नहीं खरीद सकते, लेकिन आप अगर मिल जाए, खरीद सको तो कुछ दिन ले सकते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिशन जो बॉडी में कमी आ जाती है, जो रोटी दाल सब्जी खा करके वो चीज़ें नहीं मिल पाती वहाँ से, वो इससे मिल जाएंगी। हालांकि जो नहीं खरीद पाए ना निराश होइएगा, वो खाली दही में चूना लेते रहेंगे तो काफ़ी है, लेकिन जो खरीद सकते हैं वो ये ले लेंगे अगर रात को दूध से, तो ये कुछ महीने, 2-3 महीने, तो ये भी बहुत ताकतवर है, निरापद है, बड़ी नुकसान रहित है, पथरी में नहीं देते बस। तो ये 5 चीज़ें हो गई। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और ऐसी खास चीज़ों की जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि आपके धरण के लिए अच्छी हैं। उसमें है मूँग की दाल, हरी मूँग की दाल खा लीजिए, पी लीजिए, और वो दूध के ही समान मानी जाती है, आपको ताकत देगी, बल देगी, हिम्मत आएगी और आप महसूस करेंगे कि अरे वाह, मेरा तो पेट बहुत स्वस्थ हो गया है, मैं तो बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूँ। तो आप ये ज़रूर लेंगे अपनी डाइट में। इसके अलावा खीर बना के पिएं, खाएं ठंडी या गुनगुनी, उसमें भी वीर्य बढ़ाने के गुण होते हैं। इसके अलावा फुल मखाने आप रोस्ट करके दूध के साथ, दूध के अंदर खीर बना के या सब्जी बना के या सूखे किसी भी ढंग से थोड़े एक मुट्ठी रोज़ खा सकते हैं। ये उन चूना, जिनको चूना ना मिले उनका काम कर जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम है ये भी, चाहे चूना ले लो चाहे ये ले लो, और चाहे कभी वो ले लो कभी वो ले लो, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सब्जा बीज, ये भी बहुत सारे देशों में सिपाहियों को खिलाए जाते हैं, फौज को खिलाए जाते हैं, इसलिए कि ये ठंडे भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। कईयों का पेट हीट मारता है धरण के दिनों में, धरण पड़ने पर, तो हीट नहीं मारेगा गर्मियों में, वैसे भी सब्जा बीज भिगो करके लिए जा सकते हैं, और पंजाबी में इसको तुक मलंगा बोलते हैं, सब्जा बीज को आप इसको रात को भिगोएंगे आधा चम्मच इतने सारे पानी में, सुबह फूल जाएंगे, उसको बस आपने शरबत में डाल के पी लेना है, गर्मी निकाल देंगे, दही में डाल के पी लेना है, बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा आप छाछ पी सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, मोती पिष्टी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम करेंगी। मालिश करिए, खाली पेट ऐसे लोग कृपया ना वर्जिश करिए, ना उठाइए वजन, और मैंने जो टिप्स बताए कि बादाम आदि खा करके फ्री करें, कुछ ऐसी चीज़ें खा करके, नहीं अगर कुछ खाना है तो कम से कम आप सुबह उठ करके थोड़ा दही खा करके, छाछ पी करके, नारियल आदि का पानी पी करके फिर कुछ ना कुछ पेट को दें ताकतवर, ताकि वो पेट को कुछ शरीर को ताकत मिले, और फिर आप कुछ वर्जिश करेंगे तो आपके धरण नहीं हिलेगी। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। जिन लोगों को भी धरण पड़ती है वो सारी अजमाइए, पेट की पिंडलियों को दबवाइए किसी से, और रोज़ ऐसा अभ्यास करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा इस समस्या से। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।